तुझे सच में लग रहा है ये आने वाला है? अबे आने वाला तो था। सूरज। अरे वो भी डलने वाला है। भाई ये लटकी देता है भाई। पता नहीं, शायद अपनी बीवी से पिट रहा होगा, पता नहीं मुझे। अब तुझे पता है सच में वो अपनी बीवी से पिटता है? अरे मैंने बताया तो था, तुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या बात? अरे पिछली दिवाली को उसके माथे पे ना कुछ लाल लाल सा बना हुआ। मैंने पूछा ये क्या है माथे पे लाल लाल? बोलता है बीवी ने लव बर्ड दिया है माथे पे। बोलता है तेरी शादी नहीं हुई है ना, तो तुझे पता नहीं है ये सब। टिपिकल सूरज है, कभी कभी इतना फेंकता है ना कि इसमें मारने का मन करता है, लेकिन क्या करे दोस्त। मुझे तो नहीं लगता आएगा। ग्रेजुएशन याद है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओ भाई साहब, कितने साल हो गए बे? 15। 15? भाई साहब बुढ़े हो गए क्या हम लोग? भाई मेरे तो बाल सफेद हो रहे भाई। मेरे तो बाल झड़ रहे यार। क्या क्या वादे किए थे हम लोगों ने, साल में एटलीस्ट 2 बॉयज ट्रिप मारेंगे, बैंकॉक जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं तो आधे लोगों के तो पासपोर्ट नहीं है अभी तक। हाँ अभी देखो सिर्फ हम दोनों ही बच गए, और आज के बाद तू भी। निकलूँ मैं यार? अरे बैठना और दो, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है यार। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, बचपन से साथ खेला, साथ हंसा, साथ रोया भी। लेकिन आज आज जिंदगी की नई मंजिल की तरफ सफर शुरू कर रहे हैं। बैग भूलते जा रहा है। तुझे जाते हुए देखकर तेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है। इसके पहले भी हम कभी कभी महीनों तक नहीं मिले, लेकिन हम दोनों एक ही शहर में थे, पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग काफी था। लेकिन अब पता नहीं क्यों पर लगता है कि आज के बाद हम फिर कभी मिलेंगे नहीं। बट आई एम हैप्पी कि हम मिले। मैं यही दुआ करता हूँ कि तू वहाँ खुश रहे, नए दोस्त बनाए, नई दुनिया देखे, एंड आई होप कि कभी कभार तुझे मेरी याद आए।